हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर क्यू एंड आर आर द इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हमें बोला है कि हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं रैशनल नंबर के जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। कंडीशन क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और पी और क्यू का जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, 1 उसका हो सकता है, उसके अदर जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, फिर बताना है कि एक प्रॉपर्टी को आप गैस कर सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको करते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसके लिए क्या करेंगे कि कोई भी नंबर हो, मान लो 3 है ऊपर, कुछ भी हो ऊपर, तो नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए? 2 या 5 आना चाहिए, या 2 5 आना चाहिए, 2 या 5 हो, या अपॉन में खाली 2 हो या ओनली 5 हो। ठीक है, तो चलेगा, तो होगा क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसके इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल बता दो, जैसे 3/5, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? डिवाइड कर लो 3 को 5 से, 0.056 30 0, तो कितना आएगा? 0.6 टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, कोई भी ऊपर कुछ भी लिखो, नीचे 5 या 2 लिख दो, 2 लिख दो, क्या आएगा? 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 6 1 0 लोगे 0.25 जा 10, ये आ जाएगा 3.5। ठीक है, अदर एग्जांपल कोई 3/5 ले लिया हमने, 2/5, 2 को डिवाइड कर लो, 2 को डिवाइड कर लो 5 से, 0 लेंगे 0.54 जा 20, ये आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए हमारे। और कंडीशन क्या बोली है? क्वेश्चन था तो क्या, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो क्यू के लिए क्या होना चाहिए? क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मस्ट सेटिस्फाई दैट क्यू हैव फैक्टर ऑफ 2 and 5। ठीक है, क्यू मस्ट सेटिस्फाई दैट क्यू है फैक्टर ऑफ 2 and 5। टू क्यू के जो है फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हूज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। और ये क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। जैसे एग्जांपल √2 है, ठीक है, रूट है प्राइम नंबर से अंदर, तो √2 का क्या होता है? एक्सपेंशन 1.414 की वैल्यू होती है, लेकिन ये इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ठीक है, इट मीन्स ये कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है। सेम ऐसे ही √3, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.732 समथिंग चलती रहती है। तो √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, और अदर एग्जांपल चाहिए तो पाई हो गया आपका, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ठीक है, सो ऑन, ये इतनी नहीं होती है, अप्रोक्स होती है, इसके आगे सो ऑन चलती रहती है। तो एक पाई हो गया एग्जांपल। और एग्जांपल चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.2010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 0
वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन सो ऑन सो ऑन। जब भी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल आए तो ये इस टाइप से लिखना ईजी पड़ता है। कोई नंबर लिखा, फिर जीरो लिखा, फिर वन लिखा, फिर ऐसे रिपीट नहीं करना होगा, जीरो बढ़ाते रहे, जिसे कहा कि रिपीटेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा और नॉन रिकरिंग और खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, इसके तीन एग्जाम्पल देने थे, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स हो गए।